हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूँ स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपना अपना काम करेंगे। मेरा नाम है दशरथ और मैं आज आपको, जैसे कि छोटा मोटा ब्लॉग वीडियो बनाता रहता हूँ, तो आज स्पेशली आज आपको मैं तुम्बेल का घर बोले तो, एक तो तुम्बेल होता है जो छत्ता बनाता है और एक तुम्बेल जो होता है वो मिट्टी के थ्रू अपना घर तैयार करता है। तो मैं स्पेशली आज आप लोग को दिखाना चाहता हूँ कि जो मिट्टी के थ्रू बनाया जाता है, जो मिट्टी को ले मिट्टी का जो छोटा छोटा गीला मिट्टी लेकर आता है और बनाता है अपना झोपड़ी, उस चीज़ को आपको दिखाऊंगा। तो आप लोग को मेरे वीडियो बन रहे और देखते रहिए, क्योंकि बहुत ही स्पेशल वाला ये वीडियो। और लाइक कमेंट शेयर जरूर कीजिएगा दोस्तों, क्योंकि मैं आपके लिए ऐसे वीडियो बना देता हूँ। और भी ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो देने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो चलिए चलते हैं और मैं वो दिखाता हूँ। और मैं आज आप लोग को जो वीडियो दिखाना चाहता हूँ, वो वीडियो तो स्पेशली ब्लॉग वीडियो में आएगा या नहीं आएगा मुझे नहीं पता, लेकिन मैं मुझे लगता है कि ये चीज़ को आप लोग को दिखाना चाहिए, क्योंकि मैं भी अपने रूम से जब बाहर निकल रहा था तो जस्ट मेरे बोर्ड के ऊपर में एक तुम्बेल बोले तो छोटा सा मधुमक्खी टाइप से एक छोटा सा कीड़ा वो अपना घर तैयार कर रहा था, जिसमें अपना कुछ अंडा अंडा छोड़ के जाएगा, ऐसे कुछ सिस्टम है। तो मैं आज आपको उसी को दिखाने वाला हूँ। और उसको मैं देखा तो आप लोग, मैं सोचा कि इस चीज़ को आप लोग को दिखा देना चाहिए, क्योंकि ऐसे चीज़ों को हम नहीं देख पाते हैं बिल्कुल भी। और जब ये तैयार होता है तो हम सोचते हैं कि ये चीज़ों किसने बनाया जो यहाँ पर गंदगी करके चले गया, ऐसे करके सोचते हैं। लेकिन जो छोटा छोटा मिट्टी का दीवार में चिपका हुआ बनाया हुआ रहता है, उसे एक छोटा सा कीड़ा बनाता है, जिसको मैं आपको दिखाऊंगा। और वो कैसे, वो कहीं पे मिट्टी को गीला किया हुआ रहता है शायद तक, उसको ले कर आता है और उसी को ला के अपना घर को तैयार करता है स्पेशली। तो मैं आज आपको उसी को दिखाऊंगा। तो आप लोग मेरे वीडियो मर रहे और देखते रहिए। ये वो कीड़ा है जो अपना घर मिट्टी के थ्रू बनाता है, मिट्टी के सहायता से। देखते हैं कैसे बनाता है इसको। बारीकी बारीकी से काम करा, ये जो छोटा सा किला है बोल, जिसके पीछे में डंक है और इसे हम अगर परेशान करें तो ये हमें डस सकता है, और इसका जो पीछे में डंक है वो हमें डसेगा। फिर से लेकर आ गया है, देखिए छोटा सा मधुमक्खी की तरह है ये। कोई सा कीड़ा को अपना पर बोले तो इसमें अपना बीजा डालने के लिए तैयारी कर रहा है। और ये देखिए बहुत ही बारीकी से काम कर रहा है, और मिट्टी का जो ढेर है छोटा सा उसको कहीं से लेकर आता है और अपना ये घर या ये छोटा झोपड़ी, इसका झोपड़ी कहा जाएगा अगर कहेंगे तो, वही को तैयार कर रहा है। देखिए और कितनी बारीकी से काम करता है उसको, देखिए। देखिए कैसे बारीकी से काम कर रहा है वो। और ये तब तक काम करता है ऐसे मिट्टी लाला के, जब तक कि इसका जो छोटा सा आशियाना तैयार नहीं हो जाता, जिसमें कि अपना बीज डाल के जाता है और इसमें निकलता है छोटा सा कीड़ा की तरह कुछ दिखता है। बाकी वो कुछ समय तक रहता है, फिर उसके बाद तैयार होकर निकलता है पिल्लू की तरह। मैं अभी दिखा रहा हूँ आप लोगों को, देखिए
बहुत बारीकी से काम कर रही है मधुमक्खी की जो है ये। बाकी ये डेंजर कीड़ा है बहुत ही ज़्यादा, क्योंकि हम इसे टच करेंगे तो हमें ये डंक मार सकता है, और डंक मारेगा तो हमारा हाथ फूल सकता है। और यहाँ पे से देखिए ये छोटा सा मिट्टी का घर बनाते हुए कीड़ा, और मैं यहाँ पर अपना टाइम लैप्स सेट कर रहा हूँ इस कैमरे में, और आज आपको मैं दिखाऊंगा टाइम लैप्स में कि कैसे कितने स्पीड बनाता है, मतलब कि कैसे बनाता है। तो शुरू से लेकर लास्ट दिखाना चाहता हूँ, जो ऊपर का जो देखिए वो कैसे उसको ढकेगा, उसको उस चीज़ को आपको दिखाऊंगा ज़रूर। तो अभी मेरे वीडियो में आप लोग बन रहे हो, फिलहाल देखते रहिए कैसे करता है वर्क जो छोटा सा मधुमक्खी या तुम्बैल करके जो है कीड़ा, वो कैसे बनाता है उसको दिखाता हूँ आप लोग को। तो फिलहाल मेरे वीडियो में आप बन रहे हो, देखते रहिए, फिर देखिएगा तुरंत आएगा वो कीड़ा। और इसमें दिखता हुआ देखिए छोटा सा ये इसमें आएगा कीड़ा, और अभी दिखेगा जब आएगा तब मैं आपको दिखाऊंगा जरूर, क्योंकि मैं ऐसे शूट कर रहा हूँ थोड़ा सा डर भी रहा है वो कीड़ा अपना घर बनाने के लिए। और मैं जब वो कीड़ा आता है तो यहाँ से थोड़ा दूर हो जाता हूँ, और कभी कभी करीब भी आता हूँ तभी बना के चले जाता है। और ये सारा प्रोसीजर मेरे आँख के सामने हो रहा है, इसलिए मैं आप लोग को दिखाना जा रहा हूँ। और ये देखिए बहुत ही जल्दी जल्दी बना के तैयार कर रहा है अपना छोटा सा आसियाना, और उस आसियाना को मेरा ये छोटा लग कैमरा जो है ये अपना कैप्चर करके स्टोर करने वाला है। और दिखाने वाला फिलहाल आ चुका है वो छोटा सा कीड़ा, मैं दिखा रहा हूँ आप लोग, ये देखिए ये छोटा सा मधुमक्खी की तरह, और ये भी अपने घर को तैयार कर रहा है और बहुत ही जल्दी जल्दी तैयार कर रहा है। और ये हमारा छोटा इंजीनियर है बोले तो घर के मामले में, और बहुत ही प्यारा सा डिज़ाइन बनाता है ये अपना। आप लोग को ऐसा वीडियो कैसा लगता है प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा दोस्तों, क्योंकि ये तो मुझे लगता है कि बहुत ही ज़्यादा बहुत ही ज़्यादा सुंदर वाला वीडियो है, क्योंकि ऐसे छोटा सा घर को बनाते हुए वीडियो मुझे नहीं लगता है कि बहुत लोग डालते ही होंगे, लेकिन मैं आज आपको स्पेशली जब मैं अपने स्टूडियो से अपने बाहर की ओर जाने वाला था, तो मुझे जब ये रास्ते में दिखा बल्कि तो मेरे बोर्ड के ऊपर में दिखा कि ये बहुत जल्दी घर तैयार करते हुए दिख रहा है, तो मुझे लगा कि आप लोगों को दिखा देना चाहिए करके। और मैं इसलिए आपको ये वाला जो वीडियो है इसको बना कर दिखा रहा हूँ, तो देखिएगा फिलहाल कैसे बना रहा है देखिए। और मैं हो सके थोड़ा सा अपना ये जो कैमरा है इस कैमरे को थोड़ा सा करीब और करीब करना चाहता हूँ, क्योंकि आप लोग को बारीकी से दिखेगा। तो मेरे वीडियो में आप बन रहे और देखते रहिए, क्योंकि बहुत ही जल्दी घर बना रहा अपना देखिए खोखला वाला। लगभग अपना घर को तैयार कर चुका है देखिए, और मुझे लगता है 2 या 3 बार लेके आएगा वो कीड़ा, और पूरी तरह से अपना घर तैयार हो जाएगा इसका। तो अभी फिलहाल मेरे वीडियो में रहे, और ये 360 जो कैमरा है इससे मैं टाइम लैप्स में दिखाना चाहता हूँ कैसे बनाता है। फिलहाल आ चुका है कीड़ा, मैं लाइट जलाऊँ तो उसके वजह से थोड़ा सा डरता है लग रहा है, लाइट को बंद करना पड़ेगा, नहीं चल जाएगा लग रहा है। ये देखिए लगभग लास्ट करने वाला है घर का, हो जाएगा ये पूरी तरह से कंप्लीट। देखिए मुझे लगता और 1 या 2 बार और लगेगा, उसके बाद उसके अंदर में क्या डालता है उस चीज़ को भी मैं देखना चाहता हूँ।
वो भी कैश डालना चाहता है। और शायद तो मुझे लगता है ऊपर फिनिशिंग दे रहा है किसी चीज़ को लेके आएगा और उसमें उसके अंदर में डालेगा उसको। तो फिलहाल में देख मेरे वीडियो में आप लोग बने रहिए और देखते रहिए कि उस छोटे से घर के अंदर में क्या चीज़ को डालेगा और पैक करेगा, क्योंकि फिनिशिंग दे रहा है देखिए पूरी तरह से, बहुत खूबसूरत भी लग रहा है। पता नहीं क्या डालेगा उसमें, मुझे नहीं पता, लेकिन देखना चाहूँगा ज़रूर कि क्या डालता है। वाकई बहुत ही बेहतरीन तरह से अपना वर्क कर रहा है ये छोटा सा कीड़ा। देखिए ओ डाल रहा हो, डाल दिया। मुझे लगता है ये डाल रहा है क्योंकि फिनिशिंग करने के बाद अब उसे मुझे लगता है बच्चा या फिर बीजा जो है उस बीजा को डाल रहा है। उसका प्रोसीजर देखिए कैसे है और कितने समय तक आता है ऐसे। पूरा जो मधुमक्खी है पूरी तरह से एकदम साइलेंट हो गया है, उसका हाथ हिल रहा ना, पैर हिल रहा ना, मोछा हिल रहा ना, मुंह हिल रहा है ना, उसका पंख हिल रहा है, कुछ भी नहीं हिल रहा है। उसके पीछे साइड में जो टंकी है वो भी कुछ भी मूवमेंट नहीं कर रहा, कुछ भी देख हम देखिए। और वो कब तक होगा वैसे मुझे नहीं पता, लेकिन लग रहा है मुझे पूरी तरह से प्रोसीजर कंप्लीट कर चुका है। मुझे तो बहुत ही इंटरेस्टिंग लग रहा है इस कीड़े का वर्क। आप लोग कैसा लग रहा है प्लीज़ मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा दोस्तों। वाह वाकई में ये माइक्रो वर्क है, बल्कि तो छोटा मोटा कीड़ा का वर्क है। और मैं इस ब्लॉग में आप लोग को इसी चीज़ को स्पेशली दिखाना चाह रहा हूँ देखिए, क्योंकि मुझे लगा कि आप लोग को दिखाना चाहिए, तो मैं आपको दिखा रहा हूँ। और मुझे लगता है कुछ समय हो गया है अभी तक, क्योंकि मैं अभी तक वीडियो को कट भी नहीं किया हूँ और स्टॉप भी नहीं किया हूँ, कंटिन्यू किसी चीज़ को डाल रहा है वो कीड़ा जो है, वो किसी चीज़ को डाल रहा है। और मुझे लगता है कि डाल चुका है, अब ये निकलने वाला है, देखिए निकल चुका है। ये देखिए फिर से आ गया मधुमक्खी की तरह दिखने वाला ये छोटा सा कीड़ा। और मैं इस नीचे में जो छिद्र था उसको पैक करने वाला आपको वीडियो दिखाऊंगा बोल के बोल रखा था, लेकिन ये जो छोटा सा माई है ये कब आता है कब जाता है मुझे नहीं पता चलता बिल्कुल भी, क्योंकि ये लगभग 2 दिन बाद आया है और उसका अपना जो ढक्कन है उसको ढक दिया है। क्योंकि मैं जब देखा था तो खुला था पहले तो, कल भी और आज भी, और आज ही इस ढक्कन को इसमें बंद किया है। और मुझे लगता है कि उसके अंदर में कुछ एक छोटा सा कुछ दिखा था मुझे, लेकिन आप लोग को दिखाने में असमर्थ रहा क्योंकि बहुत छोटा सा कुछ अंदर में दिख रहा था। और अभी शायद तक ये फिर से ऊपर में एक आसियाना बना रहा है जिसके अंदर में फिर से वो कुछ कुछ चीज़ को डालना चाहता होगा। और मैं इस कीड़ा के नाम को बता दूं, मेरी माँ बताई, अभी आएगा तो आप लोग को मिला जब आएगा तो तभी बताता हूँ उस कीड़ा का नाम क्या है। तो फिलहाल कीड़ा का इंतज़ार करते हैं और मैं इस वीडियो को अंत भी करूँगा। तभी फिलहाल कीड़ा आएगा और हम इस प्रोसीजर को काम करते हुए दिखेंगे और इस कीड़ा के नाम को भी अच्छे से जानेंगे। तभी आ गया कीड़ा फिर से, इस मधुमक्खी की तरह दिखने वाला जो छोटा सा कीड़ा है, इस कीड़ा का नाम है कुम्हारी माई। कुम्हारी माई करके, कुम्हारन माई या कुछ ऐसे करके मुझे नाम बताई मम्मी, और मैं मेरी मम्मी जैसे नाम बताई वो उसी के हिसाब से आप लोग बता रहा हूँ। देखिए ये पूरा कुम्हार की तरह काम करती है ये माई,
अंदर घुस के करे देखिए, बहुत ही बारीकी तरीके से काम करती है अपना ये जो कुम्हारिन माई है। वो देखिए अंदर में क्या है, छोटा सा कीड़ा की तरह दिख रहा है। उसी को डालने के बाद अभी हो सके तो इस छिद्र को बंद कर सकता है। अब अंदर में देखिए छोटा सा कीड़ा टेस्ट दिख रहा है वो। मैं आशा करता हूँ मेरा ये वाला वीडियो आप लोग को अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर देगा दोस्तों, क्योंकि मैं आपके ऐसे वीडियो बनाता रहता हूँ। और भी ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।